अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरतुहु। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, एज वी नो दैट इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हियर वी कैम अक्रॉस टू द अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेज नंबर 20 एंड सेकेंड पैराग्राफ। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt, but the decade of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus and Bram Fischers and Robert Subkuvis of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that there, like many, never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and true than the purest diamond. What Nelson Mandela said that this political apartheid policy, which based on the color discrimination, ये जो चीज़ थी that create the deep and everlasting wound in our people and in our country. साउथ अफ्रीकन्स जो पीपल है कंट्री पर, ये जो apartheid, ये जो कलर स्किन का जो कलर है, इसके बेस जो इनके ऊपर जुल्म किया जाता था, इनको डिफ्रेंशिएट करके जो जुल्म किया जाता था, उसका जो वॉन्ड है, यानी उस वजह से इनके साथ जो भी जुल्म हुए, वो जुल्म का जो यानी तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ यानी जिंदगी शायद बहुत डीप है। ये वॉन्ड यानी कि ज़ख्म, ये बहुत डीप है, बहुत ऊंडा है और लास्टिंग बहुत टाइम तक रहेगा। ये जल्दी यानी जाने वाला नहीं है कि अभी हमको डेमोक्रेसी मिल गई और हम सब हम पर जो भी जुल्म हुए, हमको जो स्लेव बना करके हम भूल जाएंगे। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. All of us will spend many years. हम बहुत सारा time इसमें निकालेंगे. If not generation, recovering from that profound hurt. ये perfect जो हमको तकलीफें पहुँचाई गई है, शायद ये generation तक इसको लोग याद रखेंगे. हमारी generation के generation तक ये चीज़ें याद रहेगी कि उनके जो ancestors थे, उनके ऊपर क्या, उनको क्या hurt किया गया है और उन पर क्या जुल्म किए गए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that is produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus and the Bram Fischers and the Robert Subkuvis of our time. और एक दूसरा एक दूसरा पॉजिटिव साइड भी हम देख रहे हैं कि एक ये जो हम पर सालों तक 300 ईयर्स तक जो हम पर ये ब्रुटालिटी की गई, जो ऑपरेशन किया गया, जो तकलीफ़ें हमको पहुंचाई गई, उसका एक अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट है, जिसका कोई इंटेंशन नहीं था, वैसा इफ़ेक्ट आया है. हमने ओलिवर थाम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सुबक्यूज जैसे हमने लीडर्स प्रोड्यूस किए. ऐसे सेलिब्रिटीज़, ऐसे लोग हम तक आए, जैसे कि हमारे वहाँ भी थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल. इसी तरीके से ये जो जितने भी यहाँ पर हमको नाम दिए गए, ये क्या थे, ये जो वाइट सुप्रीमेसी के अगेंस्ट जो भी स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें ये लीडर्स थे. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन. ये लोग कैसे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इनमें हिम्मत थी, विजडम बराबर, आईक्यू लेवल, इंटेलेक्चुअल भी इतना अच्छा था, और जेनरोसिटी, उदार थे, और इनके जैसे कभी आगे हमने देखे नहीं थे या जाने भी नहीं है हमने. पर एप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. व्हाट ही सेड कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, अगर कहीं पर इतनी डेप्थ तक ऑपरेशन हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तभी इतने हाइट वाले कैरेक्टर, इतने हाइट के कैरेक्टर्स वाले लोग हम तक क्रिएट होकर पहुंच रहे. अगर ये फ्रीडम फाइट नहीं होती, इतना जुल्म नहीं हुआ होता, तो शायद इतने अच्छे कैरेक्टर के लोग
इतने विजडम करेज वाले लोग हमको शायद नहीं मिलते, नेल्सन मंडेला ऐसा बोल रहे हैं। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा जुल्म जब होता है तो तब इंसान का कैरेक्टर निखर कर आता है। कैरेक्टर दैट मीन्स के ऑल ओवर पर्सनालिटी। यहाँ पर हमको दिया गया है कि दिस आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। ये जो स्ट्रगल हो रहा था एपार्थाइड के खिलाफ, उसमें ये जाने माने नाम हैं। फॉर द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउंस। ओके, यहाँ पर आपको दिया है, इनका बेसिकली नाम है ओलिवर तांबो, वॉल्टर सिसुलु, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुक्यू। यानी यहाँ पर देखो, धी लगा के हमको पीछे एस दिया गया है, धी ओलिवर थांबोज। यानी ओलिवर थांबोज जैसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स आ गए साउथ अफ्रीका में। दी वॉल्टर सिसिलिस, यानी ये क्या थे, ये लीडर थे और इनके जैसे कहीं आ गए, ऐसा कहने में आया है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. हमको पता है कि साउथ अफ्रीका में ये जो डायमंड्स है, बहुत जो कीमती जेम्स है, बराबर वो है वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ की मिट्टी में। But I have always known that its greatest wealth is its people. पर हमारी वेल्थ क्या है, मुझे पता है, नेल्सन मंडेला सेड, मुझे पता है कि मेरी वेल्थ क्या है। मेरी वेल्थ साउथ अफ्रीकन पीपल्स है जो यहाँ पर रहते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो ये प्योरेस्ट डायमंड जो निकलते हैं, हम जो प्रोड्यूस करते हैं साउथ अफ्रीका में, जो प्रोड्यूस होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फाइन और कहीं ज़्यादा सच्चे हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे और कहीं ज़्यादा सच्चे हैं ये साउथ अफ्रीकन पीपल। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। And Nelson Mandela said that in between all this freedom fighting, I have some comrades. Comrades that mean के मेरे साथी, मेरे followers, बराबर। From them, I learned the meaning of courage. उनसे मैंने सीखा कि courage का meaning क्या होता है। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. And courage. करेज तो मैंने उसका मीनिंग तो सीखा, पर मैंने देखा कि लोग, मर्द और औरतें जो है वो अपने ये फाइट की सक्सेस के लिए अपनी जिंदगियां क्या कर रही है, दांव पे लगा दे रही है, एक आइडिया के लिए, एक डेमोक्रेसी का जो आइडिया उनके आगे रखा गया है, ये चीज़ के लिए द मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और मैंने ये भी देखा कि लोग, मर्द जो है वो ऐसा तोड़ देने वाला, मरोड़ देने वाला, इंसान को mentally और physically break कर देने वाला जो torture होता है, जो attack होता है, उसके सामने डटकर खड़े हो जाते थे। And showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience that means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. Okay, और वो ताकत है, और resilience, ऐसी ताकत जो कोई भी तरीके की अगर तुम पर जुल्म किया जाए तो वो सहन करने की उनके अंदर ताकत थी, जो imagination से भी कहीं परे थी। क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी के जो आइडियाज़ थे उनको, उनके ऊपर जुल्म करने के, वो बहुत यूनिक थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा सीखा है कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब यूँ नहीं होता कि सामने वाले के अंदर खौफ नहीं है, बट द ट्रिम्प ओवर इट, बट उसके ऊपर सैडनेस है, सौरो है, बराबर दुख है उसके ऊपर। द ब्रेव मैन इज नॉट ही वो डज नॉट फील अफ्रेड बट ही वो कॉन्कर दैट फियर। बहादुर इंसान वो नहीं है कि जो डरता ना हो, बट ही वो कॉन्कर्स दैट फियर, बट वो है जो ये फियर के सामने जीतता हो, डिफीट करता हो वो डर को। No one is born hating another person because of the color of his skin. हम कोई भी ऐसे पैदा नहीं हुए कि हमको by born ऐसा लेकर पैदा हुए हैं कि भाई हमको स्किन के, ये स्किन के लोगों के साथ प्यार है और ये स्किन के लोगों के साथ नफरत है। नहीं, हमारे अंदर ये hatred by born नहीं होती।
बेबी बॉर्न बाय द न्यूट्रल फीलिंग्स, उसके अंदर कुछ फीलिंग्स न्यूट्रल होती है, हेट्रेड एंड लव हम क्रिएट करते हैं उसके लिए वो चीज़ें, और इस बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी कलर स्किन के कलर या कोई किसी का बैकग्राउंड या किसी की रिलीजन को लेके हम बाय बॉर्न हेट नहीं करते, या हम हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, हमें सिखाया जाता है कि हमें हेट करना है. ओके, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर हमें ये सिखाया जाता, अगर वो हमें ये सिखा सकते कि हमें हेट करना है, दे कैन बी टॉट टू लव, और तो हमें ये भी सिखाया जा सकता है हमें प्यार किस तरह से करना है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. और लव कैसी चीज़ है, प्यार कैसी चीज़ है, पॉजिटिव फीलिंग्स कैसी चीज़ है, जो बहुत नेचुरली होती है हमारे अंदर. और नेगेटिव फीलिंग्स को लाने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यानी बहुत जब कठिन टाइम था प्रिजन के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब हमें, मेरे जो साथी और मैं हूँ, हमें बहुत तकलीफें दी जाती थी, यानी हमें हमारी लिमिट से ज़्यादा, यानी अनबैरेबल, यानी अब ऐसा होता था कि बस अब ख़त्म हो गया, अब सहन नहीं करना, यानी इतना. आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, जब मैंने एक गार्ड्स की आंख में ह्यूमैनिटी की चमक देखी थी, क्योंकि जो उन पर जुल्म करते थे गार्ड, वो भी एक इंसान थे. पर इट्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बस एक सेकेंड के लिए देखी थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. बट वो एक पल, जो एक सेकेंड था शायद, जो मैंने एक झलक देखी थी उसकी आँख में ह्यूमैनिटी की, वो मुझे रीअश्योर करने के लिए और मुझे आगे, यानी ये फाइट में आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए इनफ थी. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान के जो goodness है वो एक flame है, like जो candle होती है उसके ऊपर जो flame होती है, like इस तरीके से can be hidden but never extinguished. Okay? आगे का chapter next session में maybe हम पूरा complete कर देंगे. Okay? I hope आपको समझ आया होगा. Love.